नमस्कार मित्रों, मुझे सबसे पहले आपका धन्यवाद करना है कि आपने हमारे पिछले 4 वीडियोस जिसमें हमें सपनों का क्या मतलब होता है को बहुत सराहा है। अब हमारा कर्तव्य बनता है कि हम आपके पूछे हुए प्रश्नों का उत्तर दें। तो इस वीडियो में हम आपके 10 प्रश्न ले रहे हैं जो एक से ज़्यादा लोगों ने पूछे हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारे पिछले 4 वीडियोस नहीं देखे हैं जिसको कुल मिला के 40 वस्तुओं के फल के बारे में बताया गया है, तो उनका लिंक हम नीचे दे रहे हैं। और इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले, सपने में स्वयं को उड़ते हुए देखना या पंख लगा के उड़ते हुए देखना। दोस्तों, ये सवाल आप में से बहुत सारे लोगों ने पूछा है। मैं यहां पर 2-3 नाम ही लूंगा, जैसे कि दीपेंद्र, रोहित, एंजल, मधु और शिव। जातक अगर सपने में खुद को उड़ता हुआ देखे तो इसका फल यह मिलता है कि आपको समस्याओं से जल्द ही छुटकारा मिल जाएगा। सपने में अगर खुद को उड़ते हुए देखें तो यह उन्नति का भी सूचक होता है और कहीं कहीं यह भी दर्शाता है कि आपकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही हैं। आकाश में खुद को उड़ते हुए देखना जल्दी ही लंबी यात्राओं पर जाने का भी संकेत होता है। अगर जातक खुद को उड़ता हुआ देखे और उसके मार्ग में कोई रुकावट आए तो इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति आपके जीवन में समस्याएं उत्पन्न करने वाला है, इसलिए सावधान हो जाएं। सपने में पानी का मतलब डूबने का मतलब। ये प्रश्न हमारे बहुत सारे दर्शकों ने पूछा है, जैसे कि उषा रानी, विकी दहिया, पूजा, अंजुम इत्यादि। दोस्तों, स्वप्न ज्योतिष के अनुसार पानी में खुद को डूबना अच्छा नहीं माना जाता है। अगर ऐसा आप देखते हैं तो यह आपको आने वाली कठिनाइयों का संकेत देता है। इसी तरह से सपने में अगर गंदा पानी दिखाई देता है तो यह दर्शाता है कि आपके आसपास स्वच्छता की कमी है और आपका मन उलझन में हो सकता है। इसलिए आप अपने निर्णय सोच विचार कर ही लें, नहीं तो कुछ जटिल समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसी तरह से अगर सपने में जातक स्वयं को पानी में तैरते हुए देखे तो यह उनकी आयु में वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की तरफ इशारा कर रहा है। अगर जातक खुद को नदी के पानी में नहाते हुए देखता है तो इसका मतलब है कि जातक स्वस्थ रहेगा, बीमारियां उसके नजदीक भी नहीं आएंगी। और अगर कोई रोगी ये सपना देखता है तो उसे रोगों से मुक्त होने का संकेत मिल रहा है। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। सपने में बारिश देखना, इसे भी हमारे दर्शक जिनमें शामिल हैं मेकू, संगीता और बबीता। सपने में अगर आप बहुत तेज बारिश देखते हैं तो समझिए कि लक्ष्मी जी घर आने वाली हैं, बस तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर बारिश घर के अंदर हो रही है तो इसका मतलब है कि घर में रोज लड़ाई झगड़े हो सकते हैं और कोई बीमार भी पड़ सकता है। इसके विपरीत अगर आप बरसात की कुछ ही बूंदों को देखते हैं तो यह दर्शाता है कि आपका किसी से मनमुटाव समाप्त होने वाला है। सपने में बरसात के बाद बाढ़ का पानी देखने का मतलब है कि आने वाले समय में आप भौतिक वस्तुओं के लिए और अधिक स्वार्थी बन सकते हैं। हमारा अगला विषय है सपने में ऊंचाई देखना। यह प्रश्न हमसे पूछा है विनोद और प्रकाश ने। यदि कोई जातक सपने में ऊंचाई को देखकर डरता है तो उसका मतलब है कि उसकी जिंदगी में कठिनाइयां आने वाली हैं। सपने में यदि ऊंचाई से खुद को गिरते हुए देखें तो यह खुद को मान हानि होने या नई चिंताओं के आने का संकेत है, इसलिए रियल जिंदगी में थोड़ा सा सावधान होने की आवश्यकता है। सपने में परीक्षा हॉल में बैठना या परीक्षा देना। दोस्तों, ये सवाल तो बहुत सारे दर्शकों ने पूछा है। कुछ के नाम है रितेश कुमार, संजय, आशीष,
पल्लवी, निशा। परीक्षा से संबंधित सपने देखना जातक के आत्मविश्वास में कमी को दर्शाता है, इसलिए उसे अपने जीवन में सुधार करने की जरूरत होगी। खूब तैयारी करिए और अपने कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाइए। अगर जातक सपने में किसी भी कारण से खुद को परीक्षा में असफल देखता है तो इसका मतलब है कि आप जीवन में कुछ चीजों पर चाहकर भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं या उन विषयों को आप समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए आप अपने कार्यों में असफल हो रहे हैं। इसलिए प्रॉपर जानकारी पाकर फिर से ट्राई करिए। अब हम आते हैं अगले विषय पर। इस पे भी बहुत सारे सवाल आए हैं परंतु हम नाम नहीं लेंगे, और वह विषय है सपने में झगड़ा देखना। अगर सपने में किसी को झगड़ते हुए देखते हैं तो यह जातक को शुभ फल देता है, परंतु स्वप्न में खुद को किसी झगड़े में उलझा हुआ देखना मित्रों अथवा पड़ोसियों से मतभेद का संकेत करता है। हमारा अगला विषय है बच्चे को देखना या बच्चे को गोद में खिलाना। इस सवाल को भी कुछ दर्शकों ने पूछा है, जिनमें से दो का नाम है शारदा और रकी। यदि आप स्वप्न में किसी बच्चे को गोद में देखते हैं तो यह स्वप्न शुभ फल लाता है। यह सपना कम परिश्रम करके अधिक धन देने का फल भी है। सपने में कोई बच्चा आपकी गोद में दिखता है तो यह आने वाले समय में इच्छाओं की पूर्ति का भी संकेत है। सपने में छोटे बच्चे को खेलते हुए देखने का मतलब है कि आपके वैवाहिक संबंधों में अधिक मधुरता आएगी और साथ ही साथ संतान प्राप्ति का योग भी बन सकता है। परंतु सपनों में अगर बच्चा गोद से गिर जाता है तो यह अशुभ फल देता है। इसी तरह से सपने में अगर बच्चा रोता हुआ दिखाई दे तो यह जीवन में आने वाली कोई निराशा का संकेत करता है, जैसे कोई बीमारी या कोई अन्य बुरी खबर आदि। दोस्तों, अब हमारे पास तीन विषय और हैं। उसमें सबसे पहला है सपने में भगवान शिव या फिर शिव और पार्वती जी को देखना। इसे पूछा है जिग्नेश और गुरदीप ने। सपने में यदि भगवान दिखाई दें तो इसका मतलब है आपको बड़ा लाभ मिल सकता है या आपकी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। अगर जातक के सपने में भगवान शिव और पार्वती एक साथ दर्शन देते हैं तो यह सपना आपके सुखद भविष्य का संकेत करता है। आम तौर पे सपने में भगवान देखने से भविष्य में आने वाले कष्ट जल्दी ही दूर हो जाते हैं, ऐसा संकेत समझिए। दोस्तों, इसी से मिलता जुलता विषय है सपने में मंदिर देखना। इसे पूछा है नीलम, रुद्रप्रसाद, सुनीता, राम शर्मा, मुकेश और अन्य कई लोगों ने। सपने में जातक को यदि मंदिर दिखाई देते हैं तो यह सभी कार्य शुभ तरीके से संपन्न होने के और इच्छाओं को पूरा करने का फल का संकेत है। यह सपना संकेत करता है कि आने वाले समय में आप अधिक धार्मिक गतिविधियों से जुड़े रहेंगे। सपने में यदि जातक मंदिर में पूजा करते दिखे तो जीवन में सुख समृद्धि और शांति की ओर इशारा समझिए। इस वीडियो का आखिरी विषय है सपने में जेल देखना, और हम जानबूझ के अपने दर्शकों का नाम नहीं डाल रहे हैं। सपने में जातक अगर खुद को अपराधी के रूप में जेल में देखे तो इसका मतलब यह होता है कि वह किसी न किसी परिस्थिति में अपने आप को बेबस महसूस कर रहा है, उसके पास सीमित अवसर हैं या कोई रोग से जकड़ा हुआ है। सपने में जेल से छूटना देखा जाए तो यह कार्यों में सफलता को दर्शाता है। सपने में अगर खाली जेल देखें तो यह भविष्य में जग हसाई का कारक हो सकता है। दोस्तों, आज मैं आपको हमारे फेसबुक पेज के बारे में भी बताऊंगा और उसका स्क्रीनशॉट अब आपके सामने है। इसका नाम है गुड एस्ट्रोलॉजी। इसे तुरंत लाइक कर लीजिए ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी समय समय पर आपको पहुंचती रहे। मित्रों, अब तो आप इन 10 सपनों का मतलब समझ ही गए हैं। इसी तरह के कुछ और सपनों का मतलब हम आपको इस श्रृंखला के अगले वीडियो में बता रहे हैं, और उसका लिंक हमने नीचे
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अगर आपको भी अपने सपनों में कुछ ऐसी वस्तुएं दिखाई देती हैं जिनके बारे में हमने अभी तक चर्चा नहीं की है, तो आप हमें उन वस्तुओं के बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि हम इस श्रृंखला में आने वाले वीडियोस में आपको उसका मतलब बताएंगे। दोस्तों, सपनों को समझने के लिए मनुष्य हमेशा से इच्छुक रहा है। इस विषय पर अनेकों अनुसंधान हुए हैं और अनेकों पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं। अगर आप भी इन्हें पढ़ना चाहते हैं तो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है, आप उस पर क्लिक करके इन किताबों को ऑर्डर कर सकते हैं। साथियों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए और दूसरों के फायदे के लिए शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे द्वारा बनाए गए उपयोगी वीडियोस की जानकारी आप तक फौरन पहुंच सके। दोस्तों, हमें आपके सुझावों का भी इंतजार रहेगा, इसलिए नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स का इस्तेमाल करें और अपने विचार हमारे साथ साझा करें। इस वीडियो को देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।